नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे दिव्य जड़ी बूटी पाए जाते हैं जो कि हमारे आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ पर आपके घर के आसपास तालाब होगा, कोई नदी होगा, कोई नाला होगा, वहाँ पर ये दिव्य जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस जड़ी बूटी से परिचित कराने वाला हूँ, वह जड़ी बूटी है दोस्तों कंटोला। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जियों में से एक माना जाता है। और आपने देखा होगा, जब भी बरसात का मौसम आता है तो भारत के छोटे छोटे बाजारों में भी आपको इसकी सब्जी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, कंटोला में अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं और बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। भारत के कई जगहों पर लोग इसकी खेती भी करते हैं और भारत के कई राज्यों में इसके कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे हिंदी में खेसका कहते हैं, ककोड़ा या फिर ककोरा कहते हैं, तो वहीं इसे असम में बट करीला, तो गुजराती में कंटोला कहते हैं, पंजाबी में इसे धार करेला कहते हैं, तो मराठी में इसे कटोली कहते हैं। इस वनस्पति को दोस्तों नेपाल में भी बहुत पाया जाता है, तो नेपाल में इसे चठेल कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट के जरिए हमसे बता सकते हैं। दोस्तों, यह वनस्पति लता के रूप में फैली रहती है और चारों तरफ सब्जी लगे होते हैं जो दिखने में करेला जैसा ही दिखते हैं, लेकिन स्वाद में बिल्कुल अलग होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कंटोला स्वाद में मधुर, कटु, तिक्त, गर्म और पचने में हल्का होता है। यह शरीर के वात पित्त कफ के दोषों का शमन करता है, साथ साथ यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, इस वनस्पति के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि यदि आपको त्वचा रोग हो गया है, दाद खाज खुजली हो गया है, तो दोस्तों कंटोला दाद खाज खुजली दिनाई की सबसे उत्तम दवाओं में से एक है। आपकी दाद खाज खुजली चाहे कितने भी पुरानी क्यों न हो, कंटोला बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकता है। इसके लिए कंटोला के ताज़े पत्तों का रस आप सबसे पहले निकाल लीजिए और 4 गुना नारियल तेल मिलाकर अच्छे से पका लें, और जब यह तेल ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी बोतल में भर करके रख लें और नियमित सुबह शाम इस तेल को जहां पर आपको दाद खाज खुजली हो गया है वहां पर लगाते हैं, तो आपकी दाद खाज खुजली कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ यदि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, आजकल के समय में बालों का झड़ना बिल्कुल आम बात हो गया है, यहाँ तक कि गंजापन की समस्या है, तो दोस्तों कंटोला बालों की समस्त बीमारियों का निदान है। इसके लिए आप कंटोला के जड़ को घर पर लेकर के आएं। सबसे पहले जहाँ पर छोटा सा कोई कंटोला है उसके जड़ को निकाल लें, घर पर लेकर के आएं। उसे पत्थर से घिसकर बालों की जड़ों में लगाएं, तो बालों का झड़ना समय से पहले, बालों का पकना बिल्कुल ठीक हो जाता है, साथ साथ आपके बाल झड़ते भी नहीं हैं। इसके साथ साथ आजकल के समय में सर दर्द होना बहुत ही बड़ी बीमारी है। आजकल के समय में किसी को भी कभी भी सर दर्द होने लगता है, तो दोस्तों इसके कड़वे पत्तियों का रस निकालकर 1 से 2 बूंद नाक से लेने से सिर दर्द में तुरंत आराम मिलता है। यह सर दर्द को ठीक करने की सबसे अनोखी दवाइयों में से एक है। इसके पत्तियों को पीस लीजिए, इसके रस को निकाल लीजिए और नाक से 1 से 2 बूंद लेने से सर दर्द में तुरंत के तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ साथ कंटोला की सब्जी खाने से समस्त शरीर को फायदा मिलता है। इससे हमारा हृदय सही रहता है, दिल की बीमारियां नहीं होती हैं और इसके साथ साथ शरीर को ताकतवर भी बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे कंटोला के फायदे बताए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों।